मेरी तीन चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी एससी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी तीन चुनौतियां हैं। साजादे, हिम्मत होता जाओ, संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। मैं जानता हूं कांग्रेस मेरी ये चुनौती नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि इसकी नीयत में खोट है। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.